अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला अब्बासी, आई एम बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एट मकान सॉल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूली लॉन्च्ड ई स्पोर्ट्स ब्लॉक ऑफ नोवा सिटी, इट्स डेवलपमेंट स्टेटस एंड इट्स एनओसी स्टेटस। जैसे कि आपको पता है कि हेल्दी सोसाइटी की नरिशमेंट के लिए स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सो हम डिस्कस करते हैं 5 बेसिक मेन की पॉइंट्स जो कि ई स्पोर्ट्स ब्लॉक के हैं। सो स्टार्ट करते हैं ई स्पोर्ट्स ब्लॉक के 5 बेसिक की पॉइंट्स से। नंबर 1, साइजेस ऑफ प्लॉट्स। नंबर 2, डायमेंशंस ऑफ प्लॉट्स। नंबर 3, इट्स प्राइस एंड मंथली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लान। नंबर 4, इट्स डेवलपमेंट चार्जेस। नंबर 5, इट्स लोकेशन। सो आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप बात करें साइजेस ऑफ प्लॉट्स इन ई स्पोर्ट्स ब्लॉक, तो 2 कैटेगरीज के प्लॉट्स हैं। नंबर 1, 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट, और नंबर 2, 14 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स। जो 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट का साइज़ है वो 30x60 है, यानी कि 30 फीट इसका फ्रंट है और 60 फीट इसकी बैक है। और अगर हम बात करें 14 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के साइज़ की, तो इसकी 40 फीट इसका फ्रंट है और 80 फीट इसकी बैक आ जाती है। नंबर 2, डायमेंशंस ऑफ प्लॉट्स। अगर 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की डायमेंशंस की बात करें, तो ये 200 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट बनता है, जिसे आप दूसरी जबान में 200 गज का प्लॉट भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप 14 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के डायमेंशंस की बात करें, तो ये 350 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट बनता है, जो कि 350 गज का प्लॉट भी आप इसे कह सकते हैं। अब आते हैं इसकी प्राइसेस और मंथली इंस्टॉलमेंट्स की तरफ। 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की टोटल प्राइस की बात करें, तो 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की टोटल प्राइस 40,40,000 बनती है। आप बुकिंग करवा सकते हैं इसका जस्ट 20% पे करके, जो कि 8,10,000 की अमाउंट बनती है। अगर 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की महाना किस्त की बात करें, तो महाना किस्त 20,000 बनती है। महाना किस्त के साथ हैं 6 महीने बाद एक किस्त, जो कि 1,58,000 रुपये बनते हैं, वो पे करनी होगी। बाकी अमाउंट 11,31,000 आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन देने होंगे। अगर ई स्पोर्ट्स ब्लॉक 14 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की टोटल प्राइस की बात करें, तो इसकी जो टोटल प्राइस है वो 67,50,000 बनती है, और इसकी बुकिंग आप 20% पे करके हासिल कर सकते हैं, जो कि 14,25,000 रुपीज़ बनते हैं। अगर 14 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की महाना किस्त की बात करें, तो महाना किस्त राउंड ऑफ 30,000 बनती है। महाना किस्त के साथ हर 6 महीने बाद एक किस्त जो आपने पे करनी होगी, वो 2,75,000 की अमाउंट है। बाकी अमाउंट एट द टाइम ऑफ पोजेशन 18,90,000 आपको देने होंगे। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की, जो कि इस सोसाइटी की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसके कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके लोकेशन की बात करें, तो ये मेन गेट से 2 किलोमीटर के फासले पर मेन बुलीवार्ड पर वाक़ है। ई स्पोर्ट्स ब्लॉक में अगर ब्राउनिंग की बात की जाए, तो ब्राउनिंग का काम तेज़ से जारी है। 2.5 से 3 साल के अरसे में इंशाल्लाह सोसाइटी जो एक्सपेक्टेड है कि वो पोजीशन हैंडओवर कर देगी। और नोवा सिटी के डेवलपमेंट अपडेट्स की बात करें, तो 2.5 से 3 किलोमीटर की रोड, जो कि मेन बुलीवार्ड वाली रोड है, वो कारपेटेड भी हो चुकी है और कम्प्लीट भी हो चुकी है। इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट और जिमनेजियम मुकम्मल कर दिया गया है, और मज़ीद भी फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द दे दी जाएंगी। अगर इसके एनओसी में बात करें, तो इस एनओसी अप्लाई कर दिया है, बहुत जल्द एक्सपेक्ट इसका एनओसी आ जाएगा, प्लॉट्स की वैल्यू मज़ीद हो जाएगी। अगर आपको बुकिंग के हवाले से कोई भी क्यूरी हो, तो आप हमारे नीचे दिए बस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।